बेसिकली सर्च ऑपरेशन का इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए हमें एक मीनू बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा एक ऊपर जो सर्च का नॉर्मल होता है वही आए। तो इसके लिए आपको क्या है, यस, एंड यहाँ पे हम एक बनाएंगे सिंपल डायरेक्टरी, जो कि आपका मीनू नाम से होगा। मीनू नाम से आपको डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी, फिर आपको मीनू रिसोर्स फाइल बनानी पड़ेगी, जिसको आप नाम बेसिकली खुद भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पे मीनू ही दूंगा। फिर हम यहाँ पे स्प्लिट करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि हम यहाँ पे इसको सिंपली आप हमें सिर्फ एक आइटम की जरूरत है, तो हम एक ही आइटम बनाएंगे। आप यहाँ पे बहुत सारे आइटम बना सकते हैं। इसको और बारीकी से पढ़ने के लिए आप देखेंगे, बहुत सही चीज़ है, आपको यहाँ पे पढ़नी चाहिए इसको बेसिकली। तो इसमें आईडी हम देंगे सबसे पहले, जो कि है हमारा मीनू सर्च, क्योंकि हमें सर्च कराना है तो इसलिए हम सर्च मीनू कर रहे हैं। देन वी हैव आइकन, आइकन आपका एट एंड्रॉइड ड्रॉएबल, स्लैश आईसी मीनू सर्च, मीनू सर्च, ओके। तो लेट्स सी इफ दिस इज रिसेंट, ओके, वी हैव दिस मीनू सर्च ऑप्शन। यहाँ पे आपको ड्रॉएबल मिल गया है, टाइटल नाम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, दैट इज ऑब्वियसली सर्च by name or character, whatever you want to see, search, okay, title हो गया, icon tint जो आप करना हो, तो मैं यहाँ पे basically color dot white करूँगा, okay, तो icon tint हो गया। अब action view class, action view class में क्या है, action view class में हम basically search व्यू को ढूंढेंगे और यहाँ पे हमें मिल गया है, हालांकि एंड्रॉइड डॉट विजर्ड नहीं, मुझे एंड्रॉइड एक्स, ओके, ये क्या है, नॉट दिस एक्चुअली, एंड्रॉइड एक्स बेसिकली मैं ढूंढ रहा था, पर मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैं देखना पड़ेगा ऐप कॉम्पैक्ट डॉट विजर्ड डॉट सर्च व्यू, ओके, तो मैनुअली मुझे राइट करना पड़ा, पर मक मिल जाएगा ऐसे अगर आप थोड़ा सा अपना सर्च आउट करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, इफ रूम, ओके, यहाँ पे ये वाला ऑपरेटर यहाँ पे और का लगता है, फिर कॉलेप्स एक्शन व्यू, ठीक है, इफ रूम कॉलेप्स एक्शन एक्शन व्यू, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर खुल के आएगा, वरना ये वहीं पे रहेगा, ठीक है, एक्शन उसमें रहेगा। तो अब बेसिकली हमारे पास सीधे अब हमें कुछ नहीं करना है, बस मेन एक्टिविटी में कोड करना है सर्च एक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो सर्च में हमें सबसे पहले जो एक टर्म की जरूरत पड़ेगी, सर्च टर्म की, जो हमें यहाँ पे देनी पड़ेगी, तो उसके लिए क्या करना है, हमें सिंपली प्राइवेट लेटिनेट वेब सर्च टर्म, ठीक है, जो कि हमारा टाइप ऑफ होगा क्या, स्ट्रिंग बेसिकली। और इसके अलावा आई थिंक हमें जरूरत नहीं पड़ेगी किसी उसकी, बट देखते हैं, अगर आगे कभी जरूरत पड़ती है तो हम बनाएंगे फिर से कुछ ना कुछ। अब यहाँ पे क्या है, आपको सिर्फ फंक्शंस बनाने हैं, जैसे कि एक ओवरराइड फंक्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ओवरराइड फंक्शंस ही होते हैं बेसिकली, ऑन ऑप्शंस आइटम सिलेक्टेड, ऑन ऑप्शन क्रिएट, ऑन क्रिएट ऑप्शंस मीनू, यहाँ बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी मीनू से रिलेटेड, आपको सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले ऑन क्रिएट ऑप्शन मीनू में आएंगे, और यहाँ पे क्या करना है आपको, पहले तो मैं इसको रखवा देता हूँ, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यूज करेंगे बेसिकली मीनू इन्फ्लेटर का, यहाँ पे हम इन्फ्लेट करेंगे, इन्फ्लेट हमें क्या करना है बेसिकली, हमें इन्फ्लेट करना है आर डॉट मीनू, जो हमारी आइडेंटिटी थी उसके अंदर जो हमने मीनू फाइल बना रखी थी, और इसको हम बताएंगे कि हमने ये वाला जो मीनू है वो बेसिकली हमें करना है। फिर हम यहाँ पे सर्च का एक वेरिएबल बनाएंगे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, मीनू डॉट जो फाइंड आइटम बनना है हमें, आइटम हमारा क्या था, आर डॉट आई डी डॉट मीनू सर्च, ठीक है। देन हम एक सर्च व्यू बनाएंगे, वेब सर्च व्यू, एंड देन हमारा सिंपली जो सर्च है उसी का ही रहेगा, डॉट एक्शन व्यू एज आपका जो एंड्रॉइड एक्स डॉट, हालांकि ये ऐसे भी हो जाएगा, बट मैं आपको दिखाया दे रहा हूँ कि कैसे करना है, ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और फिर आप सेट सर्च व्यू आपका जो है उस पे डॉट
इट्स सबमिट बटन जो होगा वो इनेबल्ड, यानी कि जैसे आप उस पर टाइप करेंगे और जैसे आप नीचे अपना सर्च करेंगे वो ऑटोमेटिकली इसको जो है सर्च कर देगा, ठीक है, इसको हम थ्रू कर देते हैं बेसिकली। और इसके बाद जो हमारा सर्च व्यू है उसमें हम क्या करेंगे, एक सेट ऑन क्वेरी लिसनर लगाएंगे, सेट ऑन सर्च व्यू, सॉरी नॉट सर्च, सर्च व्यू डॉट सेट ऑन क्वेरी टेक्स्ट फोकस लिसनर, टेक्स्ट लिसनर, बहुत सारी चीजें हैं, हम क्वेरी टेक्स्ट लिसनर लगाएंगे और इसमें हम लिस कर देंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको कुछ ऑप्शन आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लेट मेन एक्टिविटी इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस सर्च व्यू डॉट ऑन क्वेरी लिसनर। अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास आए, ठीक है, दोनों को हम इम्प्लीमेंट कर देंगे और यहाँ पे आप देखेंगे सर्च व्यू डॉट ऑन क्वेरी टेक्स्ट लिसनर यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये दो आपके फंक्शन हैं जिनको आपको इम्प्लीमेंट करना है, ओके। कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, बेसिकली सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई फंक्शन इतना ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है, बहुत हवा नहीं है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ऑन क्वेरी टेक्स्ट सबमिट, ठीक है, आप सबमिट हो गया टेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, हम चेक करेंगे बेसिकली जो हमारा सर्च है, बेसिकली क्वेरी है जो हमारा फंक्शन है उसमें जो क्वेरी आएगी पहले तो नल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नल नहीं है अगर, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, सर्च टर्म जो हमारा हमने जो वेरिएबल बनाया है उस इक्वल्स को कर देंगे क्वेरी, ओके। देन हम सर्च करेंगे बेसिकली इफ सर्च टर्म इज नॉट एम्प्टी, क्योंकि हो सकता है नल ना हो बट एम्प्टी तो हो सकता है, ठीक है, एम्प्टी सर्च भी होती है कभी कभी, तो वो चीज़ है, बट अगर वो एम्प्टी नहीं है बेसिकली तो हम करेंगे सर्च और रिटर्न कर देंगे ट्रू, एंड देन वी हैव, हमने यहाँ पे बेसिकली रिटर्न नहीं किया था इसलिए यहाँ पे अभी भी दे रहा है, तो रिटर्न ट्रू कर देंगे। अब ऑन क्वेरी टेक्स्ट सम चेंज, अब चेंज होता है तब क्या करना है, सिंपल वही चीज रिपीट करेंगे बेसिकली इसी को ही, अगर दोबारा करता है तो दोबारा मैं आपको जो भी टेक्स्ट है वो बेसिकली वैसा ना मिले, बस और कुछ नहीं है, और यहाँ पे क्वेरी की जगह पे बेसिकली न्यू टेक्स्ट हो जाएगा, दैट्स इट। अब आप चाहें तो न्यू टेक्स्ट की जगह क्वेरी कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो उसके लिए कुछ और कर सकते हैं, दैट डजंट मैटर एट द एंड, मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ, वरना आप चाहते हैं तो वहीं पर भी चेंज कर सकते थे, कोई खास चीज नहीं है, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू एक्चुअली। अब हम इस सर्च जो फंक्शन है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इसमें आपको क्या करना है बेसिकली सिंपल, आपको जो व्यू मॉडल मिला हुआ है उसी का इस्तेमाल करना है हमें, व्यू मॉडल डॉट गेट, ओके। अब हमारे पास व्यू मॉडल में अभी तक सर्च कैरेक्टर्स का कुछ है नहीं, तो इसलिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली हमें बनाना पड़ेगा व्यू मॉडल्स सर्च केस, एंड आफ्टर दैट वी कैन यूज दैट एक्चुअली। तो वो कैसे बनाएंगे, बेसिकली कैरेक्टर्स व्यू मॉडल जो हमने बनाया था हम बस उसी को ही उसी में ही थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करेंगे एक फंक्शन को, कैरेक्टर्स जो हमारा सर्च के लिए, तो हम जाएंगे यहीं पे कैरेक्टर्स व्यू मॉडल, यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट ऑल कैरेक्टर्स डाटा है ना, बस इसी में ही आपको एक फंक्शन ऐड करना है, सिंपल दिस इज दिस, यहाँ पे आता है गेट सर्च कैरेक्टर्स, ओके। तो इसमें आपको प्रोवाइड करना है बेसिकली जो आपका सर्च है एज एन स्ट्रिंग बेसिकली, सो थोड़ा सा हम यहाँ पे जूम कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे आप देखेंगे इसके इक्वल्स टू जैसे हम करेंगे जैसे कि हम नॉर्मली हम करते थे, तो बिल्डर होगा स्कोप डॉट लॉन्च और लॉन्च डिस्पैचर्स डॉट आईओ डिस्पैचर्स डॉट आईओ, एंड देन वी हैव दिस सर्च। अब यहाँ पे आप हमने जो यूज केस बनाया था बेसिकली वो हमें चाहिए होगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे पहले तो इंजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे कॉमा लगाइए सीधे, आपको जो सिंपल आपको हमें बनाना है सर्च यूज केस, तो
सकते हैं। फिर यहाँ पे आप सर्च जो आपका कैरेक्टर यूज केस है इसको आप डॉट इन्वोक करेंगे नॉर्मली, जैसे कि सर्च इक्वल्स टू सर्च होता है वैसे सर्च इक्वल्स टू सर्च करेंगे। देन वी हैव कलेक्ट फंक्शन, और फिर जो नॉर्मल हमने सब किया था फिर से वही नॉर्मल रिपीट एक तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ एक्चुअली इसको, देन देखते हैं अगर कुछ चेंजेस मुझे करने हैं कि नहीं करने हैं। तो वेन इट ओके, देन वी हैव response dot success, then we have marble value dot value, marble list, okay, in total flow, okay, almost सब कुछ सेम है, I guess we have nothing here, okay, so that's it, get search characters, यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ से आपको जो भी data मिलेगा वो आपको simply वहाँ पे आपको main activity में मिल जाएगा। And yeah, okay. So यहाँ पे get search characters और यहाँ पे आपको search की जो भी value है वो यहाँ पे provide करनी पड़ेगी, ठीक है। अब search की value आपको कहाँ से मिलेगी, तो search की value हम कहाँ से मिलेगी आपको, जो हमने ऊपर search मारा है वहीं से हमें मिलेगी। यहाँ पे हम basically search term को use करेंगे, ठीक है, हमें कहीं से मिलने वाली नहीं, हम basically यहाँ पे search term का इस्तेमाल करेंगे। और इसको कॉल करने के बाद अब हम क्या करेंगे, कोरूटीन स्कोप चलाएंगे जिसके अंदर हम डिस्पैचर्स डॉट मेन का इस्तेमाल करेंगे, ओके, एंड फिर हम सिंपली लॉन्च कर देंगे एंड सेट। अब इसके अंदर आप मॉडल डॉट जब भी मार्बल वैल्यू को फेच करेंगे डॉट कलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे जो मार्बल स्टेट है वो मिल जाएगी। फिर आप यहाँ पे वेन का इस्तेमाल करें और जब आपको एट डॉट इज लोडिंग मिलती है तो आपको कुछ करना पड़ेगा। देन मेरे ख्याल से ये भी सेम होगा यहाँ पे, तो इसको भी हम कॉपी पेस्ट मार देते हैं क्योंकि हमें सिर्फ डाटा फेच करके डाटा उसमें जो है रिसाइकलर व्यू पे डाल देना है, दैट्स इट। तो इसके लिए हमें बिल्कुल सेम वही चीज़ करनी है, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं व्यू डॉट विजिबल, फिर यहाँ पे आप जो प्रोग्रेस बार है उसको ऑन कर देंगे, फ्लैग को यहाँ पे ओके, फ्लैग की हमें ज़रूरत कि आई डोंट थिंक हमें फ्लैग की ज़रूरत पड़नी चाहिए क्योंकि हम ऑफसेट तो सेट कर नहीं रहे हैं, तो फ्लैग की कोई ज़रूरत नहीं होगी यहाँ पे, सिंपल है। और एरर पे एरर आ गया, यहाँ पे हेडर टू डॉट सेट डाटा हो जाएगा, कैरेक्टर लिस्ट मिलेगी एज कैरेक्टर लिस्ट कैरेक्टर मॉडल या फिर कैरेक्टर जो भी आपका मॉडल है, ओके। सो लास्ट यहाँ पे हो चुका है, एक यहाँ पे मैं थोड़ा सा कर दे रहा हूँ ओवरराइड ऑन ओवरराइड ऑन ऑन स्टार्ट फंक्शन, यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ मैं ऑन स्टार्ट फंक्शन। इस ऑन स्टार्ट में बेसिकली मैं क्या करूँगा, व्यू मॉडल डॉट गेट ऑल कैरेक्टर्स, यानी कि जैसे ही हमारी एक्टिविटी ओपन होगी वैसे ही हम इसमें क्या करेंगे, जो आपका API है वो हम कॉल कर देंगे ऑन स्टार्ट पे और उसको जो है डाटा शो हो जाएगा जैसे ही हमारी ऐप ओपन होगी बेसिकली, तो उसके लिए ऑन स्टार्ट फंक्शन का इस्तेमाल करेगा। तो आप देख सकते हैं बेसिकली जो हमारा सर्च का इम्प्लीमेंटेशन है वो ऑलमोस्ट नहीं अब तो कम्प्लीट ही हो गया बेसिकली। तो आपने देखा जैसे कि सिंपल हमने सर्च जो आपका इम्प्लीमेंटेशन है उस वगैरह, अब आप इसको रन करके अपने मोबाइल पे देख सकते हैं, अपने ऐप पे देखिएगा वो देख सकते हैं जैसे। हाँ यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे बता दूँ फिर से आपको, आप शायद अगर आप भूल गए हो, जो हमने यहाँ पे डाटा सोर्स डाटा मार्वल API में यहाँ पे जो आपकी API की है वो आपको कॉन्स्टेंट डॉट API की से मिल रही, जो कि मैंने यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करी है। तो आप जब तक यहाँ पे API की प्रोवाइड नहीं करेंगे ये ऐप रन नहीं होगी। और API की कैसे मिलेगी आपको ये मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, आपने नहीं देखा अभी तक पहले वीडियो तो आप देख लीजिए, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर ऐसे ही और वीडियोस देखना हो, लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आया हो, कमेंट्स करना अगर कुछ पसंद आया हो, कुछ समझ सीखने को मिला हो और कुछ फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, लाइक कर देना वीडियो को अगर कुछ सीखने को वाकई में मिला हो, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना ताकि ऐसे ही वीडियोस आप मिलते रहें, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना करें, बाकी अपने दोस्तों को शेयर करना ताकि सब लोग सीख सकें, सब लोग आगे बढ़ सकें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।